शासकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर निरंतर गिरने की बजाय एक के बाद एक सामने आ रही है। जब प्रदेश के मुखिया ने इस बात को संज्ञान में लिया तो रीवा जिले के एक ही विद्यालय के 11 शिक्षक ब्रेन ट्यूमर के मरीज बताए गए। यह सुनते ही रीवा कलेक्टर एक्शन मोड पर आ गई और सभी शिक्षकों के मेडिकल परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड बैठाने का फैसला कर लिया और इस फैसले के बाद अब शिक्षा जगत में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। इधर कलेक्टर के लिखित आदेश के बाद बीमार शिक्षकों ने यह कहा कि हम बीमार नहीं बल्कि कंप्यूटर बीमार है, जिसमें उन्हें ब्रेन ट्यूमर का मरीज बताया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि कंप्यूटर चुनिंदा शिक्षकों को ही क्यों बीमार बताता है? क्या कंप्यूटर वायरस से इतना पीड़ित है कि केवल ब्रेन ट्यूमर के 11 शिक्षक एक ही स्कूल में पदस्थ कर देता है? दरअसल जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए उन विद्यालयों से शिक्षकों को भेजने की तैयारी प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है जहां अधिक शिक्षक हैं। यह आदेश आने के बाद से ही शिक्षा जगत में खलबली मची हुई है। जिला कलेक्टर का यह कहना है कि यदि कोई भी शिक्षक खुद को बीमार बताता है तो उसकी जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया जाएगा। इधर अब इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि यह फीडिंग 2022 की है। अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर शिक्षकों को बीमार बात बताकर फीडिंग कैसे की गई। हालांकि कंप्यूटर को ही अब बीमार साबित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। शिक्षा पोर्टल के अनुसार लोक शिक्षण आयुक्त के आदेशानुसार शालाओं में जो अतिशेष शिक्षक हैं उनको अन्य कम शिक्षक वाली शालाओं में भेजने की प्रक्रिया है। उसमें से कुछ लोगों ने अपना आपत्ति जाहिर की थी कि हमारा जो अतिशेष हम नहीं है, कोई और होना चाहिए मेरी जगह पे। उनके सबके अभ्यावेदन लेकर के उनके अभ्यावेदन भी परीक्षण किया जा रहा है। सबका कल प्रातः 10 बजे से यही मातरम स्कूल में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। ये फीडिंग 2022 में हुई थी और अब शिक्षक ये लिख कर दे रहे हैं कि हम में से कोई बीमार नहीं है, मेरी प्राचार्य बद्राव से बात हुई है। तो आवश्यक ये, चूंकि फीडिंग हुई है संकुल है बद्राव का गवर्नमेंट नंबर 1, वहाँ के प्रिंसिपल को बद्राव प्राचार्य ने सूचना दे दी गई है और वो सुधर जाएगा। पर ये संक्रमण अभी कहाँ पाया? अब इतने साठ समय में तो नहीं बता सकते कि शिक्षक ने दिया था क्या दिया था, पर फीडिंग है। अभी कल तो बात सामने आप लोगों के माध्यम से उजागर हुई। अब इतने काम कर रहे हैं तो उसका जांच कराई जाएगी और उसको संशोधन किया जाएगा। ट्रांसफर में अतिशेष में यह स्पष्ट है कि इस तरह से कोई प्रकरण आएगा उसमें मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो अगर इन्होंने लिखा है कोई बीमार है तो उनके हम मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र मांगेंगे, और अगर चूंकि उन्होंने लिख दिया है, अगर कोई कहता है मैं बीमार हूं तो उनसे हम मेडिकल बोर्ड में उनकी जांच कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कई शिक्षकों का ब्रेन ट्यूमर जो है वहाँ दर्ज कर दिया गया है पोर्टल। वर्तमान में शिक्षा विभाग की अतिशेष शिक्षक हैं जितने भी स्कूल में, उनकी काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग 28 तारीख को नियत है। इस दौरान ये विषय संज्ञान में आया कि 2022 में जब ये जानकारी पोर्टल में फीड की गई थी कि किस शाला में कितने अतिशेष शिक्षक हैं, तो उस समय कुछ शिक्षकों ने और लिपिकों ने ऐसी लापरवाही से कहें या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, ये बात जांच का विषय है जिसे हम लोग जांच भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस प्रकार की बीमारियों का हवाला दिया। कारण ये था कि क्रिटिकल बीमारियों के संबंध में उन शिक्षकों को एग्जेम्पशन दिया जाना था। जब नई काउंसलिंग शुरू हुई तो ये विषय संज्ञान में आया कि ये गलत जानकारियाँ दी गई हैं, इसलिए जो 28 को काउंसलिंग है उसमें हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड 3 से अधिक बैठाने का निर्णय लिया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का क्लेम किया है वो मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे, अपने जो भी रेलिवेंट दस्तावेज हैं, मेडिकल दस्तावेज हैं, उनके सहित उपस्थित होंगे। उनमें ये भी संभव है कि कुछ जेन्युइन केसेस भी हों, तो ऐसे केसेस को अलग करके बाकी जिन्होंने इस तरीके की गलत जानकारियां प्रदाय की हैं या गलत जानकारियां भरी हैं उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, और जो नियमानुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी ताकि ऐसे विद्यालय जहां पर अतिशेष शिक्षक हैं वहां से जहां कम शिक्षक हैं उनको व्यवस्थित किया जा सके।